नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में बताऊंगा। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, काफ़ी लोगों ने रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में पहले भी सुना होगा, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रूल ऑफ थर्ड्स का एक एक चीज़ बताऊँ कि रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ कैसे किया जाता है। जो आपका फेवरेट मार्बल का मूवी है उसमें रूल ऑफ थर्ड्स का कहाँ पर यूज़ हुआ है, सारा कुछ इस वीडियो पर कवर आउट करूँगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, अगर आप स्किप करते हो तो आप बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मिस कर दोगे। इसलिए जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको पहले ध्यान से आप सुनो। सबसे पहले आता है दोस्तों फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट एक लैंडस्केप में होना बहुत ज़रूरी है। फोकल पॉइंट मतलब क्या, जब आपके आर्टवर्क को देखेगा तो क्या चीज़ को देखे सबसे पहले, ये एक आर्टिस्ट ही डिसाइड करता है। जैसे कि अब मैंने अपने लैंडस्केप में 10 घर बनाया है, 10 ट्रीज बनाया है, पहाड़ बनाया है, सामने में जो घर है मैं चाहता हूँ कि इस पे लोग फोकस करें, तो उसे मैं क्या करूँगा, उसे डिटेल्ड कर दूँगा और काफ़ी लाइट एंड कॉन्ट्रास्ट का काफ़ी ध्यान रखूँगा, और जो पीछे में जो ट्रीज है घर है उसको मैं थोड़ा ब्लर ही कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली लोग उस पे जो सामने वाले घर है उस पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसे डिटेल्ड किया है और पीछे वाली जो चीज़ें हैं उसको ब्लर कर दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले कुछ रूल्स के बारे में जिसको हम लोग रूल ऑफ थर्ड्स बोलते हैं, तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो के साथ। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने दो बॉक्सेस बनाए हैं। अब दो बॉक्स में मैंने उसको 9 इक्वल हिस्से में डिवाइड किया है। अब ये बॉक्स बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, आपके जो पेपर का साइज है, पेपर को एक बॉक्स मान लेना, उसको 9 हिस्से में डिवाइड करना है आपको। अब देखो रूल ऑफ थर्ड्स को अप्लाई कैसे करना है। एक जो बॉक्स हमने बनाई उसमें जो दो लाइन मीट कर रहा है, जहाँ पे आप डॉट देख सकते हो स्क्रीन पे, उस डॉट में अगर आप कोई भी चीज़ को प्लेस करते हो, वो घर हो सकता है, ह्यूमन फिगर हो सकता है, कुछ भी आप प्लेस करते हो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ह्यूमन का वैसे बायोलॉजिकली काम करता है, हम लोग साइड बाय साइड चीज़ों को देखते हैं, बीच में हमारा नज़र बाद में जाता है, इसलिए कोई भी चीज़ को आप उस डॉट की जगह पर बनाओगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैं आप लोगों को कुछ मास्टर आर्टिस्ट के वर्क्स दिखाऊंगा, जॉन सिंगर सार्जेंट का, वर्मियर का, जो रूल ऑफ थर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करते थे हर एक आर्टिस्ट। इसलिए आपको भी ये रूल को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, और स्क्रीन पे देखना मैं एक घर बना रहा हूँ और मैं दो बॉक्स इसलिए ले आऊँ ताकि मैं एग्जाम्पल दे सकूँ। एक मैं जहाँ मैं रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा जो बॉक्स है वहाँ पर मैं रूल ऑफ थर्ड्स को तोड़ रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि रूल ऑफ थर्ड्स को कोई आर्टिस्ट तोड़े ही नहीं है, बहुत सारे मास्टर आर्टिस्ट पहले के रह चुके हैं जो रूल ऑफ थर्ड्स को तोड़ के अपना स्टाइल को बनाए हैं, बट एज अ बिगनर, एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट आप लोगों को रूल को फॉलो करना है। जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तब जाके आप रूल को तोड़ने के बारे में सोचना। अगर आप स्टार्टिंग से सोचोगे कि मेरा रूल है और मैं जैसे भी बनाऊँ वो अच्छा लगेगा, तो नहीं, आपको रूल को पहले मानना होगा, फिर बाद में आप रूल को तोड़ सकते हो। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में भी एक घर है और राइट साइड में भी एक घर है। एक हम लोग रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ किए हैं, दूसरा में हम लोग रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ नहीं किए हैं। तो आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो अट्रैक्टिव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड वन। सो इसलिए आप लोगों को भी जो भी आप पेंटिंग कंपोजिशन करते हो उसमें रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ किया करो। और चलो अभी हम लोग देखते हैं कुछ मास्टर आर्टिस्ट का वर्क, कुछ मूवीज़ में, कुछ क्या मैक्सिमम मूवीज़ में रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ किया जाता है ताकि जो भी व्यूअर है उसको अट्रैक्ट कर सके। तो चलो हम लोग देखते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों मैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ मूवीज़ का सीन को आप देख सकते हो किस तरह से रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ हुआ है। मुझे मूवी का नाम तो नहीं पता क्योंकि मैं मूवी देखता नहीं हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन सिंगर सार्जेंट का बहुत फेमस आर्टिस्ट है, वाटर कलर आर्टिस्ट है, पोर्ट्रेट पेंटर।